हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेजीज फूड कोर्ट। आज हमारे फूड कोर्ट में हम बनाएंगे मैक्सिकन टोमेटो साल्सा सॉस। ये लिटिल स्पाइसी एंड टैंगी रहता है। मोस्ट ऑफ द मैक्सिकन डिशेज लाइक टैकोस, बेक नाचोस विद बीन्स, बरिटोस, सब में साल्सा लगता है। इसे आप पहले से बना के रख सकते हैं ताकि जब भी आप मैक्सिकन डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तभी बहुत सारे प्रिपरेशन एक साथ ना बढ़ जाए। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले साल्सा सॉस बनाने के लिए सामग्री देख लेते हैं। ये रेड साल्सा है तो टोमेटो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने इन टोटल 8 टोमेटो लिए हैं, उसमें से 4 टोमेटो है उसको छोटा छोटा काट लिया है। ये जो टोमेटोज दिख रहे हैं आपको वो 4 है मीडियम साइज के, जिसको मैंने काटा हुआ है। बाकी के 4 टोमेटोज है उसको मैं प्योरी करके ले रही हूँ। इसके साथ मैंने आधा कैप्सिकम लिया है, हरा शिमला मिर्च आधा लिया हुआ है, काट के लिया है। ये हरी मिर्च है और लाल मिर्च है। लाल मिर्च वो है जो हरी मिर्च बड़ी बड़ी लाल हो जाती है ना, वो तीखी वाली वही है। इससे साल्सा का एक बहुत बढ़िया तीखा सा टेस्ट आता है। ये 2-3 मिर्च मैंने लिया हुआ है। 6 से 7 कली लहसुन है जिसको बारीक काटा हुआ है। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको छोटा छोटा काटा हुआ है। ये टोमेटो प्यूरी है, 4 टमाटर का प्यूरी किया हुआ है, मीडियम साइज के टमाटर है। इसे ब्रांच नहीं किया है, कच्चा ही है, डायरेक्ट प्यूरी किया हुआ है। प्यूरी करने के टाइम पे जो थोड़ा सा टमाटर चिपक जाता है ना मिक्सी में, उसमें पानी डाल के, वो जो पानी है उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। कॉर्नफ्लोर से जो सॉस है उसमें एक बढ़िया सा शाइन एंड लस्टर आता है और सॉस हमारा गाढ़ा भी बनता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबलस्पून लिया है। उसके साथ कुछ सीजनिंग है, मैक्सिकन स्पैनिश मिक्स हर्ब्स लिए हुए है, ऑरेगानो है, ये रेड चिली फ्लेक्स है और ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। और टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून जितना शक्कर लिया है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और स्वाद अनुसार 1 से 1.5 टीस्पून जितना नमक लिया है। चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जितना बटर डाला है। ये सॉस बटर में ही बनता है और अच्छा लगता है। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे और बटर को गर्म करने के लिए रख देंगे। अभी बटर गर्म हो चुका है, मेल्ट भी हो गया है, तो अभी इसके अंदर सबसे पहले लहसुन डालना है और इसे थोड़ा सा सौते करके मिलाते हुए हल्का सा कलर चेंज हो, येलोइश कलर हो, वैसा उसे भुनना है। लहसुन हो गया है, अभी इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च और जो शिमला मिर्च हमने लिया था वो डालेंगे और अच्छे से सबको भुनेंगे। अभी इसके अंदर प्याज जाएगा और इसे मिक्स करेंगे और भुनेंगे। अभी टमाटर डालेंगे और टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई थी 4 टमाटर की प्यूरी और 4 टमाटर कटा हुआ, सब डाल के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी सीजनिंग करते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं। आधा टीस्पून जितना मैंने लाल मिर्च डाला है सॉस को कलर देने के लिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जिससे कलर आएगा। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च का पाउडर डाला है। ऑरेगानो है, इसे हाथों से इस तरीके से मसलते हुए डाला है, ये 2 टीस्पून जितना है। स्पेनिश मिक्स हर्ब्स है उसको भी ऑलमोस्ट 1 चम्मच डालेंगे। हरा धनिया कटा हुआ और अभी ये सब सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम अभी इस स्टेज पे फास्ट करना है और सॉस को हमें उबालना है, मिक्स करना है और उबालना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है 5 से 7 मिनट तक। इसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद अभी हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अभी आप कंटिन्यूअस चम्मच चलाते जाइए, ये ज़रूरी है वरना कॉर्नफ्लोर के लम्स पड़ सकते हैं आपके सॉस में। तो इस तरीके से हम मिलाते हुए और 5 से 7 मिनट इसको उबालेंगे। अभी थोड़ा सा गैस फ्लेम में मीडियम टू लो पे रखूंगी और इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चा टेस्ट ना आए और अच्छे से कुक हो जाए।
तो 5-7 मिनट और इसको सिमर करके थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो ये 7 मिनट हो गए हैं और अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। चम्मच में लेके अगर आप डालेंगे ना तो ये टूट टूट के गिरना चाहिए, तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपके सॉस की होनी चाहिए। देखिए ये एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, टूट के गिर रहा है। तो ये हमारा सालसा सॉस बन के रेडी है। अभी स्टेज पर गैस फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसमें केचप डालेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जितना केचप लिया हुआ है। केचप से क्या होता है, सॉस में एक टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है, और दूसरा ये है कि केचप में ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव होता है, तो आपका जो सालसा सॉस बना है वो भी प्रिजर्वेटिव वाला हो जाता है और बिगड़ता नहीं है। तो आप 1-2 दिन प्रायर में बना सकते हैं इसे। अभी सॉस को एकदम ठंडा करना है, बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था और सालसा सॉस बिल्कुल भी ठंडा हो गया है। तो अभी इसे मैं कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं सालसा को आज ही यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए इसको इस तरीके से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप इसे एयरटाइट कांच की जार में ट्रांसफ़र करके फ्रीज में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये रेसिपी मैक्सिकन टोमेटो सालसा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा फोटो पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।